देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है, इसलिए 11 मई को भारत में टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इतिहास में तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। यह दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए भी याद किया जाता है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सुबोध पीजी कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय टेक्नोलॉजी डे आयोजित किया गया, जिसका आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर समापन किया गया। इस अवसर पर 17 स्कूल और 7 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए मॉडल को शिविर में प्रस्तुत किया और उनके कार्य करने की प्रणाली को समझाया। शिविर में पुलिस कमिश्नर बिरजू जॉर्ज जोसेफ, बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिकों ने भाग लिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं बताई और ऑडिटोरियम में छात्र छात्राओं को मोटिवेशनल टिप्स भी दिए। अभी हमारे संस्कार शिविर में, विज्ञान संस्कार शिविर के अंतर्गत करीब 27 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और 13 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने अपना बेस्ट इनोवेशन को डेमोन्स्ट्रेट करवाया है। और इसके अलावा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर, इसके अलावा साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़ी फैकल्टीज़, उन सभी का इंट्रैक्शन हुआ है। और देश में टेम्परामेंट कैसे क्रिएट किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्यूजन का, या डिफरेंट जितना इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको एक मंच पर ला करके भारत को किस तरह से सिरमौर बनाया जाए और टेक्नोलॉजी का एक फ्यूजन किया जाए, जॉइंट वेंचर किया जाए, इस दिशा में हमारे टेक्नोक्रेट्स और एकेडमिशियंस का आपस में एक संवाद हुआ है। और हम निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रोग्राम आगे आने वाले समय में करेंगे और इस देश को टेक्निकल क्षेत्र में नए नए आयाम प्रदान करने का काम करेंगे। थैंक यू। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर यहाँ जो आयोजित वैलेडिक्टरी फंक्शन में पुलिस के एक अधिकारी को भी सम्मानित किया है, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पुलिस विभाग द्वारा टेक्नोलॉजी को जो यूज़ में ला रहा है उसका रिकग्निशन दे रहा है। तो हम प्रयासरत हमेशा रहेगा कि टेक्नोलॉजी का जो भी सुविधाएं है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके बेटर पुलिसिंग कैसा नागरिकों को दे सकता है वो हम काम में लेंगे। जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे फंक्शन है या सेलिब्रेशन करते हैं एवरी ईयर, उसके महत्व को समझें और जो हमारे यंग फेलो हैं वो हमें ज्वाइन करें, डिफरेंट संस्थाओं को ज्वाइन करें और अपने कैरियर को कैसे सेव करना है, कैसे बिल्ड करना है ये समझें। और हमारे देश में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ तो हमने डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि उनके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे DBT-GRF, DBT रामालिंगा स्वामी फेलोशिप प्रोग्राम एंड सेवरल अदर स्कीम्स लाइक MK Bhan, टाटा इनोवेशन फेलोशिप्स एंड इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट फेलोशिप। दिस फेलोशिप विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर डेवलपिंग देयर करियर्स। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा टेक्नोलॉजी डे फंक्शन पे कि हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और टाइम सेवी होना है और ज़्यादा से ज़्यादा नेशन की ग्रोथ में सहयोग करना है थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन।